Hello students, good evening all, good evening, Jai Hind. So I welcome each one of you here in this session today. और आज अब FCAT एग्जाम से पहले थोड़ा सा डिफेंस अवेयरनेस को आज के सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले सो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग जय हिंद. आई वेलकम ईच वन ऑफ यू हियर इन दिस सेशन टुडे. प्रीवियस काफी सेशंस में YouTube पर डिफेंस अवेयरनेस का टॉपिक मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था. आज के सेशन में स्ट्रिक्टली हम लोग अपना जो भी डिस्कशन है उसे एफकेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सो डिफेंस रिलेटेड चाहे करंट अफेयर्स हो, जॉइंट मिलिट्री एक्साइजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या लेटेस्ट एक्विजिशंस हो, रैंक स्ट्रक्चर हो, टुडे इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरीथिंग. सो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग जय हिंद. तो आप सभी लोग जो मेरे साथ सेशन में आ चुके हैं, आई वेलकम ईच वन ऑफ यू हियर इन दिस सेशन टुडे. और आज का सेशन कंप्लीट जो डिफेंस अवेयरनेस बोली जाती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वी विल बी कवरिंग अप एवरी थिंग इन दिस सेशन टुडे. क्लियर? सो अरे बता लिया आयुषी जी, आप परेशान मत हो, ये जितनी भी स्पीड रखूंगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए वो ऑप्टिमम स्पीड होगी. क्लियर? सो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग जय हिंद. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. डिफेंस अवेयरनेस में एफकेट के एग्जाम की अगर बात करी जाए, जहां एफकेट के एग्जाम में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जरूर आपको करंट अफेयर्स या डिफेंस के स्टैटिक पार्ट टोटल मिला के हम देखेंगे कि वहां पे अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपको करंट और स्टैटिक के मिल जाते हैं. उस पूरे पोर्शन में डिफेंस अवेयरनेस में अगर आप देखते हैं तो करंट अफेयर्स से अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं. और इसी के साथ साथ डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक जीके जो है, वेदर इट इज दी रैंक्स, ओके, वेदर इट इज दी अवार्ड्स, वो भी एग्जाम में तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक? तो आज के सेशन में, इस एक कंप्लीट सेशन में, मैं आप लोगों के साथ डिफेंस के करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, वो दोनों कवर करूंगा. क्लियर? सो दिस सेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. और जो लोग अभी डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डिफेंस के बारे में काफी चीजें जानना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है. कि क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर कंसेप्ट आएगा, हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. क्लियर? सो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ सेशंस को शेयर जरूर कर दीजिए. इसे सेशन को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. और सेशन के बाद इसकी PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. क्लियर? सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस सेशन फॉर अराउंड 2-2.5 आवर्स. अगले 2-2.5 घंटे तक ये सेशन चलेगा एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो गुड आफ्टरनून ऑल, जय हिंद, गुड इवनिंग. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और आज के सेशन को आगे बढ़ने से पहले कल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर. ओके, सो फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM ऑनवर्ड्स, सुबह 10 बजे से कल ये एफकेट एग्जाम के लिए महामैराथन आने वाली है. ठीक है? और इस महामैराथन में एफकेट एग्जाम के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ओके, whether it is reasoning, okay, maths, English and GK, we will be covering every topic in the session tomorrow. And this will be an approximately 12 hour long session, okay, wherein each of us will come and will be covering up sessions. ठीक है? यहां पर कभी सभी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे. तो रीजनिंग के लिए आप देखेंगे अमित सर विल बी देयर, मैथ्स के लिए तपेश सर आएंगे, इंग्लिश के लिए वी विल हैव नवीन अय्यर सर, एंड फॉर जीके आई अलोंग विद आकाश रणदेव सर वी विल बी कवरिंग दिस. क्लियर? तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा. क्लियर? सो प्लीज डू नॉट मिस दिस सेशन. ये भी सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सुधीर जी, जो स्टैटिक जी के ट्रेडिशनल टॉपिक्स, डिफेंस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब कवर होगा. क्लियर? तो चलिए, बिल्कुल आज का सेशन ये आपके हर एग्जाम के लिए, वेदर यू आर अ एनडीए एस्पिरेंट, CDS, CAPF, फॉर एवरी डिफेंस एस्पिरेंट टुडेज सेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल. क्लियर? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैड ऑर्गेनाइज्ड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्साइज शांतिर अग्रसेना 2021? बताइए, बताइए विच वन ऑफ दीज. ये
कौन किन किन देशों के बीच में शांतिर अग्रसेना 2021 में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी? इज इट इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश? कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई थी? अरे राइडर प्रोवाइडर जी, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ तो हमेशा यूजफुल ही रहेगी। बताइए, विच कंट्री हैड ऑर्गेनाइज दिस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। सो द आंसर हेयर इज बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ने ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट करी थी शांतिर उग्रसेना, और ये अप्रैल 2021 में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, ये बंग बंधु मिलिट्री कैंटोनमेंट स्टेशन जो है, बंग बंधु सेनानिवास एक वहां पर मिलिट्री कैंटोनमेंट है बांग्लादेश में, वहां पर ये कंडक्ट कराई गई थी। इसके साथ साथ ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, दिस वॉज बेसिकली टू कोमेमोरेट दी 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश के जो 50th एक इंडिपेंडेंस थी उसे कोमेमोरेट किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे उसके 50 साल पूरे हुए थे, उन्हें यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया था, और जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी 100th एनिवर्सरी को भी यहां पर रिकॉग्नाइज कोमेमोरेट किया गया था। क्लियर। इस एक्सरसाइज की अगर थीम की बात की जाए, दी थीम ऑफ दिस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑफ दिस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। ओके, रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन वॉज दी थीम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आपके एग्जाम में वेन्यू भी पूछा जा सकता है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट था। और उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी इनकी थीम्स भी आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्लियर। मूविंग अहेड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बार्क हैज डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट एंड चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट विच हैज बीन नेम्ड एज भाभा डैश। बताइए, इज इट भाभा रक्षक, भाभा आवरण, भाभा कवच और भाभा सेना? बताइए। सो जो लोग आज सेशन, आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बताइए, दी बुलेट प्रूफ जैकेट इज नेम्ड वॉट? नहीं सिक्कू कुमार जी, एफकेट एग्जाम विल बी ओनली इन इंग्लिश, बायलिंगुअल नहीं होता एफकेट एग्जाम। बताइए, वॉट इज द करेक्ट आंसर हेयर? नेम ऑफ द लाइटेस्ट एंड चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी, भाभा कवच। ओके, भाभा कवच इज द करेक्ट आंसर। अब जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक ये इंडिया की लाइटेस्ट Level 3 बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ठीक है, इस जैकेट का जो वेट है दैट इज ओनली 6.8 kg। ठीक है, 6.8 kg इसका एक बहुत ही नॉमिनल वेट रखा गया है। ठीक है, और इस आर्मर को भाभा कवच का नाम दिया गया है। ठीक, इसके साथ साथ ये जो जैकेट है इट इज बेसिकली एन इंडिजिनस मेड। ठीक है, और ये हॉट प्रेस्ड बोरोन कार्बाइड और कार्बन नैनोट्यूब टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन नैनोट्यूब टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी उससे बनाई गई है ये जो जैकेट भाभा कवच जो बनाया गया है। इट हैज क्वालिफाइड ऑल दी बैलिस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो हर प्रकार से जो बुलेट प्रूफ टेस्ट हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ये यहां पर सभी जो टेस्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS हॉलमार्क जो है उनके द्वारा इन सभी को एक टेस्ट किया गया था। उन सभी पैरामीटर्स पर ये भाभा कवच जो था इट हैज सक्सेसफुली
it has overcome all the tests. Clear? So the correct answer here is option number C, Bhabha Kavach. और ये एग्जाम में उम्मीद है पूछा जा सकता है. क्लियर. मूविंग अहेड, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मीज कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग. बताइए, सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, वहां से वर्ल्ड्स चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर जो है वो डेवलप किया गया है, व्हाट इज इट्स नेम. हां जी अमनदीप जी, बिल्कुल टेलीग्राम पर पीडीएफ देंगे, बिल्कुल देंगे. अरे नहीं, आयुष जी, नवीन सर, नवीन अय्यर सर लेंगे सेशन. बताइए. हां मनोज कुमार जी, सीडीएस का एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, बट एफकेट का एग्जाम, टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, बाइलिंगुअल नहीं होते. ठीक. व्हाट इज द नेम ऑफ द चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर? बताइए, चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर. यहां पर काफी स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि ये काफी अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था. ठीक है. और ये इंडिया का एक चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर जो है, इट वॉज डेवलप्ड विद द नेम पार्थ. ठीक है. यहां पर इसका नाम जो था, दैट वॉज पार्थ गनशॉट लोकेटर बोला गया था. इवन दो ये यहां पर गनशॉट लोकेटर जो है काफी जगह बोला गया कि नहीं यार ये तो बड़ा महंगा है, बट स्टिल दिस गनशॉट लोकेटर, ओके, इट इज अ डिवाइस विच कैन लोकेट, ओके, दी इफेक्टिवली यू कैन से दैट इट कैन लोकेट दी लोकेशन, ओके, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 400 meters. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि कई बार जो स्नाइपर अटैक्स होते हैं इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. सो दिस डिवाइस, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ओके, और उसके साथ साथ प्राइवेट गन्स जो है उन्होंने भी इसका, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट फर्म्स जो है उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया है. दूसरा, ये जो गनशॉट लोकेटर है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये चीपेस्ट बोला जा रहा है, ऐसा कितने का मिल रहा है? ठीक है. तो आप देखेंगे कि ये जो गनशॉट लोकेटर है, इट इज ₹3 lakhs. इसकी कीमत ₹3 lakh है. इसके अलावा जो बाकी गनशॉट लोकेटर मार्केट में अवेलेबल थे या इससे पहले लाए जाते थे, वो गनशॉट लोकेटर की कीमत अराउंड 60 to 65 lakhs के अराउंड होती थी. क्लियर. सो दिस इज द चीपेस्ट वन एंड इट इज नेम्ड पार्थ. ठीक है. चलिए, अरे आप लोग सेशन देखते रहिए, जहां पर भी टेलीग्राम पर मिलेगी मैं लिंक आपको दिए बिना जाऊंगा नहीं बिल्कुल. ठीक है. तो आप सेशन देखते रहिए, लिंक आपको मिलता रहेगा. क्लियर. मूविंग अहेड, डैश इज द फर्स्ट सबमरीन कमीशन्ड अंडर प्रोजेक्ट 75I. बताइए, बताइए, फर्स्ट सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I. Which one of these? Which one of these? Is it Vela, Karanj, Kalvari, Khanderi? Bataiye. Which one of these? Okay. तो यहां पर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75I, उसके अंडर जो पहली सबमरीन कमीशन की गई थी, द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, INS कलवरी. ठीक है. INS कलवरी, कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन जो थी, देवर दी फर्स्ट सेट ऑफ सबमरीन विच वर कमीशन अंडर दिस प्रोजेक्ट 75I एंड इट वॉज डन सम इन सेप्टेंबर 2017. क्लियर. ये जो सबमरीन है, ठीक है, दे हैव बीन डिजाइंड बाय अ फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी, जो इसे फ्रेंच एक नेवल डिफेंस कंपनी जो है उसके द्वारा डिजाइन किया गया है एंड इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड एट मेजागांव डॉक्स लिमिटेड. ठीक है. मेजागांव डॉक्स लिमिटेड जो है वो वहां पर बनाई गई है. यहां पर कलवरी के बाद जो दूसरी सबमरीन आई थी, दैट वॉज INS खंडेरी. क्लियर. और खंडेरी के बाद आई करंज,
और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि उसके बाद बोले गए वेला, वगीर और वगशीर. क्लियर? सो इट वॉज द फर्स्ट वॉज कलवरी फॉलोड बाय खंडेरी एंड करंज. क्लियर? सो ये सभी नाम जरूर याद रखने हैं. और ध्यान रखिएगा एफकेट के एग्जाम में हर बार एग्जाम में या तो एयरक्राफ्ट कैरियर का क्वेश्चन आ रहा है या सबमरीन का आ रहा है या किसी टॉर्पीडो या न्यू या नेवी के वेपन्स को जरूर पूछा गया है. क्लियर? मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? बताइए कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां लोकेटेड है? द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो आप सभी लोग जो सेशन में आते आते जा रहे हैं जल्दी से भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. सभी फ्रेंड्स को बुला लो. ये जो डिफेंस अवेयरनेस का सेशन है दैट विल बी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम. हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा. कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट बताइए वेयर इज इट? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर है? ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद. क्लियर? तो ये जो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है दैट इज सिचुएटेड इन सिकंदराबाद तेलंगाना. ठीक है? और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है दिस इज बेसिकली अ ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ठीक है? तो यहां पर ये कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो है ये एस्टेब्लिश किया गया है एंड दिस इज बेसिकली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग दी फॉर गिविंग दी ट्रेनिंग टू दी पर्सनल ऑफ दी ट्राई सर्विसेज. आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है उनके ट्राई सर्विसेज पर्सनल के लिए लाया गया है. दिस इंस्टीट्यूट इज बेसिकली फॉर इंपार्टिंग दी मैनेजमेंट ट्रेनिंग. ठीक है? जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है मैनेजरियल कोर्सेज हैं उन्हें कंडक्ट कराने के लिए ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद. क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस? बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग. हां जी सुकन्या जी बिल्कुल नोट्स मिलेंगे आपको, बट आप अभी सेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, नोट्स के बारे में मत सोचिए. सेशन को अगर अच्छे से देख लिया नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. बताइए विच वन ऑफ दीज. Which one of these is not part of quad groups of countries, quad group of nations? So the correct answer here is France. ठीक है? अब quad groups की अगर बात की जाए तो quad groups में along with USA, Australia and Japan, okay, it is India which is part of the quad groups. ठीक है? चार nations जो है उसमें रहा था. इसके साथ साथ ये जो क्वाड ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज है इट इज बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस विच आर एमिंग टू स्ट्रेंथन द सुप्रीमेसी, द मिलिट्री सुप्रीमेसी और द रूल बेस्ड बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसे इंडो पैसिफिक रीजन को एक सही प्रकार से रेगुलेट करने के लिए ये स्थापित किया गया है. ठीक है? यहां पर आप देख सकते हैं कि दीज फोर कंट्रीज दे हैड अफेक्टिवली दे हैड ज्वाइंड दी ग्रुप, दे हैड ज्वाइंड दिस ग्रुप इन 2017 इटसेल्फ. और इनका जो मेन एम रहा था दैट इज बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन. ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी मैरीटाइम कंट्रीज सेटअप हो रही हैं मेनली दी कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, इनका मेन एम चाइना को काउंटर करना है. ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट था क्वाड कंट्रीज का दैट वाज कंसेप्चुअलाइज बाय द चाइनी बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जो थे उनके द्वारा इसे लाया गया था. और इनका एक मेन एम जो है वो रूल बेस्ड बिहेवियर को ठीक है यहां पर मॉडिफाई करना, स्ट्रीमलाइन करना और इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक शांति बहाली जिसे आप कह सकते हैं पीसफुल ऑर्डर एस्टेब्लिश करना इनका एक मेन एम रहा है. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इफेक्टिवली इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस. फ्रांस इज नॉट पार्ट ऑफ इट. क्लियर? चलिए मूविंग अहेड अगला सवाल देखते हैं. ठीक? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर
इंडिजीनस मशीन पिस्टल विच वॉज रिसेंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, बताइए। अरे अब्बास भाई, आप ना इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे, मैं पढ़ ही नहीं पाता, तब तक ऊपर चला जाता है मेरे सामने से। तो आप वेट करो, सेशन के एंड में मैं आपका डाउट जरूर लूंगा, ठीक है? तो आप अब्बास भाई परेशान मत हो, बिल्कुल बताइए। फर्स्ट एवर मशीन पिस्टल विच वॉज रिसेंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, the first ever indigenous machine pistol which was recently developed by DRDO, ये काफी न्यूज में रही थी, बताइए। okay, so the correct answer here is option number B, ASMI, ठीक है? अब ये ASMI pistol जो है, इसकी ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, DRDO ने इसे डेवलप किया था, ठीक है? And it was developed by DRDO with a very precision guidance, okay, under the supervision of Indian Army. Indian Army ने यहाँ पर help की थी, Indian Army की पूरी requirement based guidance दी गई थी। दूसरा, Indian Army अभी recently यहाँ पर जो 9mm pistol guns हैं, उन्हें replace करना चाहता है, ठीक है? DRDO का एक establishment है, Armament Research and Development Establishment, ठीक है? DRDO का एक establishment, DRDO की एक lab है ARDE, which is in Pune. ठीक है, तो यहां पर उसके अलावा इन्फेंट्री स्कूल जो महू में है, उन्होंने डिजाइन और डेवलप इसे किया था, उन्होंने एक अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से इन्हें सेटअप किया गया था। इस पिस्टल को बनाने के लिए 3D मशीन प्रिंटिंग, इन सभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल किया गया था, क्लियर? सो दिस पिस्टल, दिस वेपन, इट हैज गॉट huge potential to be used by the used along with the heavy weapon detachment, ठीक है? जो heavy weapon deployment पर soldiers जाते हैं, officers जाते हैं, उनके लिए इस weapon का काफी ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, clear? moving ahead onto the next question, next, which one of the following? अच्छा, यहां पर काफी लोग एक पिछले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सर ASMI gun में there was an officer involved, बताइए क्या नाम था उनका? ASMI पिस्टल गन जो थी उसमें विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज इन्वॉल्व, बताइए कौन से इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने यहां पर कंसेप्चुलाइज किया था? बताइए, जो ये मशीन पिस्टल गन का जो इस्तेमाल किया गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिसर? काफी लोग यहां पे सही नाम बता रहे हैं, बताइए। ओके, सो इट वाज लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बसोड़। ओके, यहां पर ऑफिसर जो थे हु हैड कंसेप्चुलाइज्ड इट वाज लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बसोड़। ओके, ही वॉज दी वन हु हैड इफेक्टिवली डिजाइंड, हु हैड इफेक्टिवली प्लान्ड एवरीथिंग, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप्स वॉज डिप्लॉयड इन मिशन सागर विच वॉज सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज कैरिंग द फूड एंड कोविड रिलेटेड आइटम्स ऑन 10th May 2020, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप्स वॉज डिप्लॉयड, कौन सा शिप डिप्लॉय किया गया था? पेंडेमिक के दौरान यहां पर इंडियन नेवी से रिक्वेस्ट की गई थी, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थी, ठीक है, वहां पर मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, सेशेल्स, ओके, कोमोरस, ये कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने इंडियन नेवी से रिक्वेस्ट की थी, असिस्टेंस रिक्वेस्ट मांगी गई थी, क्लियर? और यहां पर इंडियन नेवी ने इन्हें हेल्प करने के लिए दे हैड सेंट INS केसरी, ठीक है? INS केसरी जो था, INS केसरी को यहां पर भेजा गया था, फूड आइटम्स, मेडिकल आइटम्स यहां पर सब डाले गए थे और मिशन सागर यहां पर एग्जीक्यूट किया गया था। मिशन सागर वॉज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्लियर? तो यहां पर कई बार एग्जाम्स में सिंपल सागर की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए, द फुल फॉर्म इज सिक्योरिटी and growth for all in the region. क्लियर?
क्लियर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, INS केसरी. ठीक है, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो सागर है, ठीक है, 2015 ऑनवर्ड्स ये लॉन्च किया जा रहा है. एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एन नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज हेल्प्ड द नेबरिंग कंट्रीज. जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी कई बार यहां पर हेल्प की गई है. क्लियर. मूविंग अहेड नेक्स्ट, ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ दीज. ऑपरेशन सद्भावना बताइए. ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ दीज फोर्सेस. बताइए ऑपरेशन सद्भावना. बताइए इज इट आर्मी नेवी एयरफोर्स और आर्मी विद द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. तो ये काफी फेमस है. कई बार आप लोगों के ऑपरेशन सद्भावना के ऊपर तो एसएसबी में लेक्चरेट के टॉपिक्स भी आते हैं. ठीक है, आप लोगों के एसएसबी इंटरव्यू में जीडी में भी डिस्कशंस होता है. क्लियर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया है, इट हैज बीन लॉन्च इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और इंडियन आर्मी वहां के लोगों को मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज में लाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना लाया गया है. इट इज बेसिकली टू ब्रिंग पीपल इंटू डेवलपमेंटल मोड. वहां के लोगों को जो लगता है कि थोड़ा सा एक नेग्लेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इंसर्जेंसी की वजह से दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग. ठीक है, काफी समय से सफर कर रहे थे लोग, तो यहां पर लैक ऑफ डेवलपमेंट, इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए जो ऑपरेशन सद्भावना है दैट इज रनिंग की प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिटरेसी, वोकेशनल ट्रेनिंग. ओके, दे आर वर्किंग अबाउट द एडॉप्शन ऑफ द विलेजेस. पूरे गांव के गांव इंडियन आर्मी ने वहां पर अडॉप्ट कर लिए गए हैं. दे आर वर्किंग फॉर द विमेन डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो. एंड दे आर ऑल्सो रनिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सभी प्रोग्राम यहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, ताकि वहां के लोगों को जो एक काफी समय उन्होंने एक नेग्लेक्टेड टाइम देखा है ड्यू टू इंसर्जेंसी टेररिज्म, दे वुड कम आउट ऑफ इट. क्लियर. चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, डिजीबॉक्स. बताइए डिजीबॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है. इज इट नीति आयोग, इसरो, डीआरडीओ और एचएल. बताइए भाई, सभी लोग जो आ चुके हैं, अराउंड 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को यार लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए. ठीक है, ये जो मैराथन सेशंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि जीके के लिए ये मैराथन सेशंस बहुत यूजफुल है. जितनी वाइड जीके आती है एफकेट एग्जाम में, यू विल बी फाइंडिंग एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है पेपर का, इन एंड अराउंड यही मैराथन्स और जो क्वेश्चन डिस्कशन है उनमें से आपको मिल जाए. क्लियर. सो ऑल ऑफ यू, इफ यू हैवंट स्टिल लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, बताइए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग. नीति आयोग द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, पुराने जमाने में प्लानिंग कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था, उन्होंने ये डिजीबॉक्स एस्टेब्लिश किया है जो एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है. ये क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म दिया गया है जो आपको विंडोज के लिए, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, iOS यूजर्स सभी के लिए लाया गया है. ठीक है, और ये डिजीबॉक्स आपको फ्री 20 GB क्लाउड स्टोरेज देता है. ठीक है, एंड 100 GB स्पेस पर मंथ ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹30 में क्लाउड स्टोरेज आपको दी जा रही है. क्लियर. सो दिस डिजीबॉक्स हैज बीन एन एसेट. ओके, ये काफी आप लोग देख सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में ये आपके लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है. क्लियर. मूविंग अहेड, अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द कम्युनिकेशन अमंग इट्स टू लेबोरेटरीज यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी. बताइए विच अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द कम्युनिकेशन अमंग इट्स टू लेबोरेटरीज यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी. बताइए विच ऑफ दीज.
कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ. डीआरडीओ जो है उन्होंने अपनी अभी दो लेबोरेटरीज के बीच में एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी से तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वांटम की टेक्नोलॉजी है दैट इज टू एंश्योर वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जैसे हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, देश भर की स्ट्रेटेजिक एजेंसीज हैं, उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल एक बहुत ही एक लीक प्रूफ कम्युनिकेशन उनके लिए जरूरी है. तो यहां पर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को एंश्योर करने के लिए डीआरडीओ ने अभी क्वांटम की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसकी दो लेबोरेटरीज जो है उन्होंने एक डेटा शेयरिंग को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था. ठीक है, ये जो क्वांटम की टेक्नोलॉजी है इट एंश्योर्स द कम्युनिकेशन विच इज अ वेरी रॉबस्ट सॉल्यूशन टू शेयर द की अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स. क्लियर. इसी के साथ साथ आप देखते हैं कई बार जैसे इंडियन एयरफोर्स की भी बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स का अपना नेटवर्क है, एयरफोर्स नेटवर्क जिसे आप लोग बोलते हैं. सो द आर्म्ड फोर्सेस दे डू यूज देयर सिक्योर वेरीफाइड नेटवर्क फॉर देयर ऑथेंटिक डेटा शेयरिंग. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिम्बेक्स 2019. अब यहां पर काफी लोग पूछेंगे सर ये तो 2019 का क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्या? आप देख रहे हैं हर एफकेट के एग्जाम में एक एक दो दो साल पुराने या तो ग्रैंड स्लैम्स की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, जॉइंट मिलिट्री एक्साइज के बारे में भी पूछा जा रहा है. क्लियर. तो ये एक नया ट्रेंड एफकेट ने 2018-2019 ऑनवर्ड शुरू कर दिया है जहां पर कुछ पुराने भी एक दो क्वेश्चन वो एग्जाम में डाल देते हैं. क्लियर. सो एटलीस्ट आपको कोई अगर प्रोमिनेंट इवेंट हुआ था, और वैसे भी यहां पर पेंडेमिक से पहले के जितने इवेंट्स हैं 2019 के 2020 इनिशियल मंथ्स के, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. सो करेक्ट आंसर यहां पर आता है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली. ठीक. तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सिम्बेक्स 19 जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज थी, ठीक है, यहां पर इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स 19 कंडक्ट कराई गई थी, और ये नेवल एक्साइज इट वाज कंडक्टेड इन द साउथ चाइना सी रीजन जो था वहां कंडक्ट कराई गई. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया की तरफ से आईएनएस कोलकाता ने लीड किया था. ठीक है, आईएनएस कोलकाता जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और आईएनएस दीपक जो है इट इज अ फ्लीट टैंकर, दे हैव पार्टिसिपेटेड. तो कोलकाता और आईएनएस शक्ति जो है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था. आईएनएस शक्ति जो है दैट इज अ दीपक क्लास फ्लीट टैंकर. क्लियर. चलिए मूविंग अहेड. सो यहां पर करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, और यहां पर काफी लोग जो आईएनएस विक्रांत मार्क कर रहे थे, भाई आईएनएस विक्रांत तो अभी न्यूज में आया है. ठीक है, आईएनएस विक्रांत जो है उसके तो अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, और उसे उम्मीद की जा रही है दैट विद इन नेक्स्ट 1.5-2 years इट विल बी कमीशन्ड फुली. क्लियर. तो आईएनएस विक्रांत जो है ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए था. क्लियर. नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बाय R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स. बताइए बताइए विच ऑफ दीज. हाँ जी, अरे रोशन मिश्रा जी मुझे तो याद है आईएनएस तो इंडियन नेवल शिप. रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बाय R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स. बताइए किस देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रशिया. रशिया के साथ R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दे हैव साइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड दीज मिसाइल्स दे विल बी डिलीवरिंग मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये जो R-27 मिसाइल्स हैं दे विल बी इक्विप्ड ऑन विच फाइटर एयरक्राफ्ट, किस फाइटर एयरक्राफ्ट पर इसे इक्विप किया जाएगा. बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, इट विल बी इक्विप्ड ऑन विच फाइटर एयरक्राफ्ट. बताइए R-27 विल बी इक्विप्ड ऑन विच फाइटर एयरक्राफ्ट.
बताइए किस फाइटर एयरक्राफ्ट पर इस मिसाइल को इक्विप किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा? ठीक है, अब देखो भाई, रशिया की अगर बात हो रही है ना, तो रशिया का एयरक्राफ्ट सोचो अब कौन सा है। क्लियर? सो दिस R-27 विल बी फॉर Su-30। ठीक है, Su-30 के ऊपर इन्हें इक्विप किया जाएगा। दूसरा, ये जो मिसाइल्स हैं, दीज मिसाइल्स दे हैव अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अराउंड 73 किलोमीटर, 73 किलोमीटर इनकी रेंज है। क्लियर? और उसके साथ साथ दे अफेक्टिवली दे कैन हिट द टारगेट इन बिटवीन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 to 42 किलोमीटर्स। क्लियर? एंड दस दी रेंज इज अबाउट 73 किलोमीटर्स। तो ये मिसाइल जो है मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है, दे विल बी कमीशन। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अब तो मैंने Su-30 मार्क कर दिया, उसके बाद भी कुछ लोग तेजस, राफेल बता रहे हैं कमेंट में, और कुछ मिग भी बता रहे हैं। इंडिया हैज साइंड कॉम कासा टू अचीव सिग्निफिकेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी टू इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, सो वॉट इफेक्टिवली इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉम कासा, बताइए। यूएसए के साथ ये जो कॉमकासा एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, व्हाट इफेक्टिवली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, व्हाट इज द फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है कॉमकासा की? बताइए, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर स्टेटमेंट की बात करें, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ओके, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमकासा। ठीक, अब ये जो एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में, जो 2+2 डायलॉग साइन हुआ था उस समय पर यह पास किया गया था, एंड दिस कॉमकासा विल बी बेसिकली दे विल बी सेटिंग अप अ हॉटलाइन बिटवीन दी टू कंट्रीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेटअप। तो यहां पर यह कॉमकासा एग्रीमेंट जो था साइन किया गया था, दैट वॉज बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन सेटअप टू एंश्योर बेटर सिक्योरिटी बिटवीन दीज टू कंट्रीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कैपेसिटी इंडिजीनस टैंक इंजन हैव बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम, बताइए। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कैपेसिटी इंडिजीनस टैंक इंजन हैव बीन हैंडेड ओवर टू इंडियन आर्मी? इज इट V-46S, V-92S2, ओके, 723, 13S3, 324, 10S1 और 207 और 51S5, बताइए। कई बार बहुत स्पेसिफिक टर्म्स आ जाते हैं, ये ध्यान रहने बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, द करेक्ट आंसर इफेक्टिवली कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए, V-46X V-92S2। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसके द्वारा यहां पर ये बनाए गए हैं। ठीक है, दीज इंजन हैव बीन मेड बाय द इंजन फैक्ट्री ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसके द्वारा बनाए गए, और ये मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर दे अफेक्टिवली दे आर फॉलोइंग द रशियन डिजाइन, रशियन डिजाइन को फॉलो किया गया है, एंड देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दे हैव बीन हैंडेड ओवर टू द आर्मी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑल विमेन एक्सपेडिशन ऑफ द इंडियन नेवी टू सरकम नेविगेट द ग्लोब ऑन द सेलिंग सेल INSV तारिणी, इंडियन नेवल शिप वेसल तारिणी, इज शेड्यूल्ड टू हैव 4 स्टॉपओवर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, विच वन ऑफ दीज,
सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सरकम नेविगेशन मिशन जो था इंडियन नेवल शिप वेसल तारिणी के द्वारा ऊपर जो लेकर गए थे, यहाँ पे इट वॉज एन ऑल विमेन क्रू दैट हैड पार्टिसिपेटेड एंड दे डिड नॉट हैव अ स्टॉप ओवर एट डरबन. डरबन में कोई भी स्टॉप ओवर नहीं था. ओके, इट वॉज फ्री मेंटल, लिटिल टन, पोर्ट स्टैनली, दे वर ऑल दी स्टॉप ओवर्स. क्लियर? सो ये सरकम नेविगेशन मिशन हैज ऑलरेडी बीन डन. ठीक है, हो चुका है. नेक्स्ट, थर्ड इज वॉट? THAAD. वॉट इज दिस? वॉट इफेक्टिवली इज थर्ड? काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये, बताइए. दिस वॉज इन न्यूज, बताइए. तो यहां पर अगर देखा जाए, दिस इज बेसिकली एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. ठीक है, थर्ड जो है दैट इज बेसिकली एन एंटी बैलिस्टिक. ओके, इट इज बेसिकली एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी काफी दिन पहले आयरन डोम न्यूज में था, तो अलग अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही है. ये जो थर्ड है, इट इज एन अमेरिकन मेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया है. ठीक है, जो यहां पर शॉर्ट, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ थर्ड इज बेसिकली टर्मिनल. ओके, इट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड. ओके, इट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस. ओके, एरिया डिफेंस सिस्टम ऑफ द यूएस. यूएस के द्वारा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सीकर टेक्नोलॉजी इन मिसाइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बताइए. सीकर टेक्नोलॉजी, यहां पर काफी लोग पिछले क्वेश्चन में इसराइल आंसर मार्क कर रहे थे, और इसराइल मार्क कर रहे थे, फिर भी मैं बता रहा हूं, मैं आयरन डोम और बाकी मिसाइल सिस्टम का भी नाम ले रहा हूं, फिर भी लोग यहां पर इसराइली मार्क कर रहे थे आंसर, बताइए. हां जी, S-400 जो है, S-400 इंडिया रशिया से ले रहा है. ठीक है, आयरन डोम इज अ स्मॉल रेंज, S-400 इज अ लॉन्ग रेंज. ठीक है, चलिए. सो सीकर टेक्नोलॉजी इन मिसाइल्स की अगर बात की जाए, तो यहां पर हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर इफेक्टिवली कम्स आउट टू बी सी. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो यहां पर अगर सीकर टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की बात की जाए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रिसेंटली टेस्ट की गई थी. ठीक है, जो एक इंडिजिनियस सीकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. ये जो सीकर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इट बेसिकली एंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ मिसाइल्स. ठीक है, एक मिसाइल की एक्यूरेसी, तो आपने कई बार सुना होगा कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल बोला जाता है. दैट फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल इज बेसिकली एंश्योरिंग दी, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दी लेवल ऑफ हाई एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल सिस्टम. क्लियर? तो अभी तक आप ये देख सकते हैं कि जो सीकर टेक्नोलॉजी है, ये रशिया से यहां पर सबसे पहले रशिया के द्वारा इस पर एक्सपेरिमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो की गई थी. क्लियर? चलो अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो वैसे वन लाइनर आते हैं, बट अराउंड 5 to 10 मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए ऐड करे हैं ताकि आपको एक उसके साथ एक से ज्यादा टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं. सो रिवीजन के लिए वो जरूरी रहता है. बताइए, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? बताइए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ दीज? अगर पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज बीइंग बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम एंड INS कलवरी बिलोंग्स टू दिस क्लास. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. INS कलवरी अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था. सेकंड, INS करंज एंड खंडेरी डू नॉट बिलोंग टू दिस क्लास. तो ये गलत है. करंज और खंडेरी जो है, दे आर ऑल ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, तो कलवरी कमीशन हो चुका था, उसके बाद खंडेरी, फिर करंज, दे आर ऑल इंडक्टेड. क्लियर? सो द आंसर हियर इज ओनली ए. क्लियर? नेक्स्ट,
विद रेफरेंस टू द आकाश मिसाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आकाश मिसाइल को ध्यान में रखते हुए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। आकाश मिसाइल सिस्टम, ओके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, कि आकाश मिसाइल सिस्टम इट इज बेसिकली एन एयर टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट दिस आकाश मिसाइल सिस्टम इट इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ओके, इट इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है। सो इसे हम लोग SRSAM बोलते हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट, इट कैन साइमल्टेनियसली एंगेज मल्टीपल टारगेट्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, ओके। ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स जो है उन्हें एंगेज कर सकती है, क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज एन इंडिजीनियस मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्लियर। ये एक इंडिजीनियस मिसाइल है विच हैज अ रेंज ऑफ 25 किलोमीटर, ओके, एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली, क्लियर। सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बराक मिसाइल सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बताइए बराक मिसाइल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, भाई जल्दी जल्दी यहां पर क्वेश्चंस के ना आंसर फटाफट देते रहो, क्योंकि इस टाइम ना आपके पास, मैं ये चाहता हूं कि इस सेशन को खत्म होने के बाद फिर GK ना पढ़ो, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो बस मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करो, बाकी बची हुई GK की रिवीजन कल करा देंगे, ठीक। तो इस सेशन के बाद इसीलिए ना जल्दी जल्दी आंसर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें, क्लियर। सो विद रेफरेंस टू द बराक मिसाइल सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो यहां पर हम लोग देखते हैं द करेक्ट आंसर इज ओनली वन, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, दे आर लॉन्ग एंड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहां पर जो बराक मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाई गई हैं, क्लियर। एंड दे हैव बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय DRDO एंड इसराइल, तो इंडिया और इसराइल के द्वारा बनाई गई है, दे हैव नॉट बीन मेड बाय रशिया, क्लियर। सो द आंसर हियर इज ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, रेड फ्लैग इज द नेम ऑफ जॉइंट एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए भाई जल्दी से, रेड फ्लैग इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? किन किन देशों के बीच में रेड फ्लैग कंडक्ट कराई जाती है? हां जी सिद्धेश जी, रशिया रॉन्ग है, हर वेपन रशिया से नहीं खरीदता इंडिया, चलो। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, USA, क्लियर। तो इंडिया और USA जो है, ठीक है, दोनों की एयरफोर्स के बीच में ये एक एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो थी जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है, क्लियर। सो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस में आपको ये भी याद रखना है वेदर इट इज एन आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज, नेवियल एक्सरसाइज और एन एयरफोर्स बेस्ड एक्सरसाइज, क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया? पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो पैरामिलिट्री में सीधा सा एक मतलब हम डालते हैं कि CAPF, आर्म्ड पुलिस फोर्स। अरे इंडियन न्यूज ऐसा नहीं है भाई साहब, आवाज तो आ रही होगी यार, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो मेरी आवाज सभी को आ रही है इंडियन न्यूज, बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है? क्योंकि इंडियन न्यूज में जितनी तेज बोल रहा हूं ना उससे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर में आवाज वैसे ही आपके पास तक घर ही पहुंच जाएगी, ओके। आई होप द वॉइस एंड वीडियो आर क्लियर टू ऑल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये पुराने स्पैमर हैं ये, अच्छा मुझे लगा इन्हें जेन्युइनली आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, तो ये नहीं पता था आज पहली बार आए हैं, ठीक है। कि अब यहां पर अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है दैट इज बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हम जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं दे आर बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लियर। आसाम राइफल्स ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स,
ठीक है, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ओल्डेस्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स मानी जाती है, विच इज एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट जो है दैट इज बेसिकली अंडर द इंडियन आर्मी, तो यहां पे रीसेटलमेंट का ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टर डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट जो है, कई बार आप देखते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं तो उनके लिए रीसेटलमेंट कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, एमबीएज मैनेजमेंट कोर्सेज कराना, जब सोल्जर्स रिटायर होते हैं तो सोल्जर्स के लिए एसएससी के एग्जाम क्लियर कराने का के ट्रेनिंग कराई जाती है। सो दिस डीजी रीसेटलमेंट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर अ प्रॉपर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर ऑल द रिटायरिंग डिफेंस पर्सनल्स। क्लियर? चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, द असम राइफल्स। बट ये जो असम राइफल्स है ना, इसकी एक बहुत यूनिक फीचर है असम राइफल का। वैसे तो ये आती है आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर, बट असम राइफल के जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, असम राइफल्स के जो डायरेक्टर जनरल है, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। बाकी सब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उनके डायरेक्टर जनरल आईपीएस होते हैं, बट असम राइफल के डायरेक्टर जनरल होते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन टू ओनली। क्लियर? चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार कमांड इज व्हाट? बताइए भाई, ये जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है ना, इसका क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट एफकेट में पूछा जा रहा है। कई बार इसके हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसके कमांडिंग ऑफिसर कौन सी रैंक के होते हैं। क्लियर? सो सिमिलर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दी दिस अंडमान एंड निकोबार कमांड। क्लियर? बताइए विच वन ऑफ दीज द आंसर। द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इट इज एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऑपरेटिंग डायरेक्टली अंडर द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। अब ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ना, यहां पर आप कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली अंडर द सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर? तो क्योंकि वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसके परमानेंट चेयरमैन ऑफ सीडीएस बना दिए गए हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड जो थी वो 2003 में सेटअप की गई थी। क्लियर? सो इट वॉज सेटअप इन द ईयर 2003 टू एंश्योर प्रॉपर सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन। क्लियर? नेक्स्ट, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर इज अ रैंक इन विच ऑफ दीज? बताइए मास्टर चीफ कहां की रैंक है? मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर इज अ रैंक इन विच ऑफ दीज? अरे हाँ बिल्कुल, अरे इंडियन न्यूज जी, मैं मान गया कि बीडी सावरकर एयरपोर्ट जो है वो वही है। बताइए विच ऑफ दीज, मास्टर चीफ इज अ रैंक अफेक्टिवली मास्टर चीफ इज अ रैंक ऑफ द इंडियन नेवी। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेवी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पिनाका? बताइए। अरे वीरेश सक्सेना जी, एफकेट के एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लेकर आया आज। यहां पर हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते एफकेट एग्जाम में। बताइए Which one of the following is correct about Pinaka? What is Pinaka? Okay, so answer here is option number A. It is a multi-barrel rocket launcher. ठीक है, ये Pinaka जो है, Pinaka is basically a multi-barrel rocket launcher. ठीक, तो यहां पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड इफेक्टिव वेपन सिस्टम। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, इट कैन इफेक्टिवली इट कंप्राइजेज ऑफ 12 रॉकेट्स। ओके, और चाहे कारगिल वॉर कहें या कभी भी, आप देख सकते हैं कि यहां पर इंसर्जेंसी या बॉर्डर एरियाज, पिनाका हैज ऑलवेज प्रूव्ड इट्स वर्थ। ठीक है, पिनाका जो है उसने वर्थ अपनी हमेशा प्रूव करी है। क्लियर? ओके,
चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इंक्ड अ पैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोक्योर अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम, बताइए। हां जी अवनीश, वो माइथोलॉजिकल मीनिंग है, माइथोलॉजिकल मीनिंग, इट वॉज अ बो, ओके, बिल्कुल एक तीर के तौर पर ये बोला गया था। तो एंटी, आप ये देख सकते हैं कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर उसे बोला जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इंक्ड अ पैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोक्योर अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम। सो आंसर, आप यहां पर देखिए कि कभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस के इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जितने भी काम होंगे दे विल बी डन थ्रू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओनली, वो BEL के थ्रू ही करे जाते हैं। क्लियर? सो द आंसर हियर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो यहां पर ये SDR टैग जो है वो एक फोर चैनल मल्टी मल्टी मोड मल्टी बैंड एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है। क्लियर? नेक्स्ट, विच एंटिटी इज डेवलपिंग अ फ्यूचरिस्टिक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विद अ स्टार्टअप कंपनी टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, बताइए। बिल्कुल, अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अरे वीरेश जी, टेरिटोरियल आर्मी में भी आएंगे, पर टेरिटोरियल आर्मी में भी इंग्लिश में ही आएंगे क्वेश्चन। अमनदीप कौर, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिफेंस एग्जाम प्रेप उस पर भी प्रोवाइड करूंगा। अब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है शरद डिफेंस सर्किट उस पर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है अमनदीप? बताइए, फ्यूचरिस्टिक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विद अ स्टार्टअप कंपनी, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्लियर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इंडिया की एक बेसिकली जो मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है उन्हें डेवलप करने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बनाई जा रही है, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, ये अपने तरह का एक इकलौता एक बहुत अनूठा एक प्रोजेक्ट है ये। क्लियर? जहां पे वेर इन अ मैंड एयरक्राफ्ट विल ऑपरेट विद इन दी बाउंड्री एंड दी अनमैंड एयरक्राफ्ट विल एंटर दी एनिमी जोन। क्लियर? तो यहां पर जो मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं दे वो तो अपनी बाउंड्री में ही फ्लाई करेंगे, और जो UAVs एंड ड्रोन जिन्हें आप लोग कहते हैं दे विल अटैक डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली सागर अन्वेषिका was launched at Chennai port. This vehicle will be used to carry out bathymetric, okay, that is mapping underwater features and environment indexing. बताइए ये कहां पर, जो एक underwater mapping का काम कहां पर करा जाएगा? The underwater mapping will be done at which place? बताइए। विच ऑफ दीज? सो यहां पर करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ कोस्टल एंड ऑफशोर वाटर्स। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो है दैट इज द बेदीमेट्रिक प्रोसीजर विल बी कंडक्टेड एट द कोस्टल एज वेल एज द ऑफशोर वाटर्स, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि उस समय पर जो हमारे अर्थ साइंसेज मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सागर अन्वेषिका चेन्नई पोर्ट पर। क्लियर? चलो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल है दिस विल बी यूज फॉर रिसर्च, ठीक है, यहां पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? और यहां पर अभी तक जो 6 रिसर्च व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं दैट इज सागर कन्या, सागर निधि, सागर संपदा, सागर मनुषा और सागर तारा, और लास्ट जो हो जाएगा दैट विल बी सागर अन्वेषिका।
six research vehicles. Clear? Moving ahead, next question. Which institution has developed an innovative virtual classroom aid title Mobile Master G? बताइए इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने एक डेवलप किया है एक इनोवेटिव वर्चुअल क्लासरूम एड नेम्ड मोबाइल मास्टर जी, बताइए। विच ऑफ दीज, ये एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो मोबाइल मास्टर जी ऐप है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम टू होम टीचिंग, ठीक है, ये ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम टू होम टीचिंग जो है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। एंड दिस ऐप इट कैन रिकॉर्ड लेक्चर्स, ओके, और इवन द इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय टीचर्स इवन व्हाइल दे आर यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स। क्लियर? तो ये जो मोबाइल मास्टर जी है ये हॉरिजॉन्टल मोड वर्टिकल मोड उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है टीचिंग है उन्हें एडॉप्ट कर लेता है एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एरोस्पेस कंपनी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन नेम्ड कलाम 5 फ्रॉम अ प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी एट नागपुर इन महाराष्ट्र? बताइए किस इंडियन एरोस्पेस कंपनी ने कलाम 5 नाम के रॉकेट को लॉन्च किया है? बताइए विच ऑफ दीज विच इंडियन एरोस्पेस कंपनी सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। स्काईरूट एरोस्पेस जो है ये एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, क्लियर, एंड इट हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन व्हिच हैज बीन नेम्ड कलाम 5, ठीक है, जो नागपुर महाराष्ट्र में इन्होंने टेस्ट किया था। ये इंडिया में पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने किसी प्रकार के एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज को यहां पर टेस्ट किया गया है, ठीक। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो प्लान किया गया है कलाम 5 इज फर्स्ट ऑफ दी 5 कलाम सीरीज ऑफ सॉलिड रॉकेट मोटर्स, जो यहां पर सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जो 4 मोटर्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी टेस्टेड ओवर द एंटायर 2021 इटसेल्फ, ठीक है। 2021 में भी रिमेनिंग जो यहां पर 4 मोटर्स हैं उनका टेस्ट किया जाएगा। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICGS कनकलता बरुआ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ वॉज कमीशन्ड एट विच प्लेस? बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ वॉज कमीशन्ड एट विच प्लेस? बताइए Which of these? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ओके, यहां पे ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि कनकलता बरुआ जो शिप है, ठीक है, इट वॉज, अच्छा नहीं, इसके आप कमिशनिंग की अगर हम बात करते हैं तो कमिशनिंग के हिसाब से ठीक है, ठीक। यहां पे आपको मैं बताता हूं कि क्या है ये, इसकी जो कमिशनिंग की गई थी दैट वॉज बेसिकली एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो थे उनके द्वारा कराया गया था, क्लियर। और ये परमानेंटली जो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड की काकीनाड़ा फ्लीट जो है, काकीनाड़ा फ्लीट, ठीक है, उस काकीनाड़ा फ्लीट का ये हिस्सा बनाया जाएगा एंड इट विल बी अ परमानेंट बेसिंग फॉर पेट्रोलिंग अक्रॉस द आंध्र प्रदेश कोस्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश कोस्ट जो है उसके अक्रॉस पेट्रोलिंग की जाएगी,
क्लियर। तो एक गार्डन रीच शिप यार्ड बिल्डर्स जो थे कोलकाता, उनके द्वारा ये बनाया गया, ठीक है, विच वॉज आस्ट एंड इट वॉज कमीशन एट कोलकाता, ठीक है। ये लास्ट ईयर सितंबर 30 में कमीशन किया गया था एंड देन दी एंटायर इसके जो जिम्मेदारी दी गई है दैट विल बी अक्रॉस दी आंध्र प्रदेश कोस्ट। क्लियर। सो दी करेक्ट आंसर इफेक्टिवली हेयर इज ऑप्शन ए कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इज दी करेक्ट आंसर। तो आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश कोस्ट को लेके और कोलकाता को लेके, बट प्लीज डू गो थ्रू दी क्वेश्चन इफेक्टिवली, पहले आप पूरा क्वेश्चन देखिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेम द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दैट हैज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड 40 mm UBGL एम्यूनिशन, ठीक है। हाँ पीयूष, या विदाउट जीके तो वैसे मतलब मुश्किल है, 25 क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है, तो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस में कितना स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगा छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, जीके के अगर अराउंड 10-15 क्वेश्चंस भी कर दिए वो सही रहेंगे, ठीक है। अरे साहिल अब्बास जी, आपको क्वेश्चन पढ़ के डिटेल में समझा दूंगा, पर सेशन के एंड तक का वेट करो, ठीक है। यहां पर मैं आपका जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ता हूं मेरे सामने से ही चला जाता है, इतने कमेंट आते हैं, ठीक है अब्बास। तो सेशन के एंड तक वेट करो, पूरे सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है, बट वेट करना पड़ेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दैट हैज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड 40 mm UBGL एम्यूनिशन, द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन डी, एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एम्यूनिशन फैक्ट्री जो है यहां पर मोदी जी जो है उन्होंने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, ठीक है, तो पुणे के पास एम्यूनिशन फैक्ट्री खिड़की जो थी वो स्थापित की, उसमें ये आप ये देख सकते हैं कि एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो है इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, ठीक है। और इसके बाद पहला जो ये यूबीजीएल कंसाइनमेंट था दैट वॉज सेंट टू BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भेजा गया था, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो UBGL कंसाइनमेंट है, दिस UBGL इज फायर्ड फ्रॉम द लॉन्चर विच इज फिटेड अंडर द इंसास राइफल, इंसास राइफल के अंडर ये फिट किया जाता है, ठीक है। और ये जो एम्यूनिशन है इट हैज बीन इंपोर्टेड बाय द इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उनकी अलग अलग CAPF को और आर्मी दोनों के द्वारा ये इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड UBGL है एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय द CAPF एज वेल एज द आर्मी। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एम्यूनिशन फैक्ट्री खिड़की पुणे। क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया बिकेम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप एंड सक्सेसफुली टेस्ट द हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HST-DV। सेकेंड, दिस हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इन इंडिया इज डेवलप्ड बाय DRDO। अरे अमरनाथ जी, आप ऐसा करो, ये ना चल जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो अभी टाइम का। असल में एग्जैक्टली टाइम मुझे भी नहीं पता कब तक चलेगी। अब मैं आपको कोई टाइम बता दूं, आप बहुत बिजी हो, ठीक है, आपकी कहीं मीटिंग वीटिंग हो बहुत जरूरी, इसलिए एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहा, ठीक है केशव जी। अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है मेरे पास बताने को आपके लिए, ठीक है। एग्जैक्ट अगर पता होता तो मैं आपको बताया था कि 10 मिनट में खत्म होगी, 2 घंटे में खत्म होगी, ठीक है। जब तक क्वेश्चन चलेंगे तब तक मैराथन चलेगी। क्लियर। चलो तो यहां पर अगर हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इस स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इंडिया बिकेम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप एंड सक्सेसफुली टेस्ट द हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया इज बेसिकली नॉट दी 5th बट दी 4th कंट्री, ठीक है। और इंडिया से पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, सिर्फ ये 3 ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके साथ साथ ये जो हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली इट इज अ वेरियंट, इट इज बेसिकली एन इलस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट फॉर दी हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट, ठीक है। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट इलस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई, इंडिया इज 4th आफ्टर, यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज आफ्टर US, रशिया और चाइना। क्लियर।
HST TV in India is developed by DRDO, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है, क्लियर। चलिए सो अगला सवाल, सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर B2 ओनली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड नैनो फाइबर्स ऑफ आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विच हैज बीन नेम्ड पवित्र पति। यहां पर बीच में कुछ क्वेश्चन डिफेंस अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी आ रहे हैं, ठीक है भाई साहब, गजब कर दिया अमरनाथ जी आपने। अमरनाथ जी वैसे मैं भी आपको क्वेश्चन तो इसीलिए सॉल्व करा रहा था कि ऑफिसर बन जाओ, ठीक। बताइए, अमरनाथ ने कह दिया टाइम इज डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर क्वेश्चन तो नहीं है ना, क्वेश्चन तो लिमिटेड नहीं है। बताइए पवित्र पति, विच ऑफ दीज ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है पुणे, उन्होंने डेवलप किया है विच इज अ नैनो फाइबर ऑफ द आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, सो दस इट हैज बीन नेम्ड पवित्र पति। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेम औषध तारा, औषध तारा के नाम से इसे बनाया गया है, ठीक है। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा ये जो DIAT है ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ एक कोल्हापुर बेस्ड एक टेक्सटाइल कंपनी है, दे हैव डेवलप्ड इट एंड दे हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड वायरस, क्लियर ओके। चलिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताइए इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता। विच अमंग सी फॉलोइंग इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बताइए। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो जैसा यहां पर ना आपको नाम देख के ही पता चल जाएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, क्लियर। नेक्स्ट, इंडियन नेवी कमीशन्ड इट्स फर्स्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन एट कोची इन नवंबर 2013, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर। ये क्वेश्चन भाई गलत मत करना, देखो हेलीकॉप्टर का आधा नाम पहले ही लिखा हुआ है, ठीक, हेलीकॉप्टर का आधा नाम पहले ही लिखा हुआ है, आपको सिर्फ रिमेनिंग नाम बताना है, बताइए। सो हाफ ऑफ द नेम हैज ऑलरेडी बीन रिटन, यू हैव टू जस्ट टेल द रिमेनिंग नेम, सिर्फ रिमेनिंग नाम बताना है आपको, बताइए। बताइए विच वन ऑफ दीज ओके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव, ठीक है। यहां पर काफी लोग चेतक चीता आंसर मार्क कर रहे हैं भाई, ALH बोला गया है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने 2013 में कोची में सदर्न कमांड में, जो ट्रेनिंग कमांड भी है इंडियन नेवी की, वहां पर ये जो स्क्वाड्रन थी वो सेटअप की गई थी, इंडियन नेवल्स एयर स्क्वाड्रन 322,
It was Indian Naval Air Squadron 322. It was set up. Okay. और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इट इज द फर्स्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर. ओके, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है एंड इट इज इन सर्विस सिंस 2002, 2002 से सर्विस में ऑपरेबल है. ठीक है, नेक्स्ट. सेकेंड स्पेस लॉन्चिंग पैड वॉज सेटअप इन विच ऑफ दीज, बताइए. सेकेंड स्पेस लॉन्चिंग पैड वॉज सेटअप इन विच ऑफ दी स्टेट्स, भाई केशव आप थोड़ी देर रेस्ट ले लो. कई बार मुझे लगता है कि वो ना थक इतने गए हो कि टाइप करते करते उंगली चिपक जाती है कई बार आपकी. ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट ले लो. सेकेंड स्पेस लॉन्चिंग पैड वॉज सेटअप इन विच ऑफ दीज, बताइए. ओके, सो यहां पर आप लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु. ठीक है, तो इसरो ने यहां पर जो सेकंड अपना लॉन्च पैड था वो एस्टेब्लिश किया था तुतुकदी डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, तमिलनाडु में, जहां पर एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पैड ये बनाया गया था. ठीक, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो लॉन्च पैड बनाया गया, दिस वॉज एम्ड एट स्मॉल सैटेलाइट्स ओनली. ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट्स को ही केटर करने के लिए सेटअप किया गया था. सो दस द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु. क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रगति मिसाइल, बताइए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रगति मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया. फर्स्ट, इट इज अ शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम. सेकेंड, इट हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑपरेशनल लॉन्च कैपेबिलिटी, बताइए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रगति मिसाइल सिस्टम. प्रगति मिसाइल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तो यहां पर अगर हम प्रगति मिसाइल सिस्टम की बात करें तो यह डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है. ठीक, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है विच हैज अ रेंज ऑफ फ्रॉम 60 टू 170 किलोमीटर. ठीक है, 60 टू 170 किलोमीटर. क्लियर, उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रहार मिसाइल है, दिस इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन आर्मी. क्लियर, ये एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल सिस्टम है जिसमें डे एंड नाइट ऑपरेशनल लॉन्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड की गई है. एंड दस द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट ठीक है. क्लियर, चलो भाई अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is or are the paramilitary forces of India? अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले. ठीक, बताइए. Which of the following is or are basically meant to be deployed in the northern borders of India for monitoring the borders and also to stop smuggling and illegal immigration? अरे हाँ विश्वेंद्र जी, CDS वाले स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं. आपको क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा कि CDS में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? विश्वेंद्र बताइए. अरे कमलदास जी, पूरा बताया तो था मिसाइल के बारे में, रेंज भी बताई थी, डेवलप किसके द्वारा की गई वो भी बताई थी, क्या एम है वो भी बताया गया. ठीक है, और भाई कल महामैराथन को नहीं भूलना है. महामैराथन का लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में मिल जाएगा. महामैराथन को जाते ही लाइक कर देना सेशन के एंड में, ताकि कल भूले ना कोई भी सुबह 10 बजे से. अरे केशव जी, आप ही के लिए तो ये सेशन लेकर आया हूं मैं खास तौर से. आप जो भी एग्जाम देना चाहें, आरआईएमसी के लिए एलिजिबल हो, आरआईएमसी दे देना, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सब एग्जाम. ठीक है केशव, आपके लिए खास तौर से ये सेशन है आज का. आप आराम से देखो, बस कमेंट मत करो.
Which of the following is or are basically meant to be deployed in the northern borders? Northern borders के लिए deploy करने के लिए इनमें से कौन सी forces को बनाया गया है? ठीक, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, first ये जो आसाम rifles है, ये आसाम rifles is basically for Indo-Myanmar border. ठीक है, Indo-Myanmar border के लिए है. ठीक है, अगली चीज border security force जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी डेवलप की गई है फॉर नॉन माउंटेनियस रीजन्स. ठीक है, तो प्राइमरीली आप देखते हैं कि अभी बीएसएफ जो है वो इंडो पाक बॉर्डर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब जम्मू और पाकिस्तान वाला बॉर्डर आपका, गुजरात पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान. ठीक, और इसके अलावा ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है. ठीक है, चलो थर्ड, इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस जो है, ठीक है, आईटीबीपी, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, आईटीबीपी. क्लियर, और ये आईटीबीपी जो है, दिस आईटीबीपी इज बेसिकली फॉर इंडो चाइना बॉर्डर और उसके अलावा नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पर. आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी जो है ये जितने भी डिजास्टर, इंडिया की एक प्रोमिनेंट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी है. क्लियर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज फॉर स्पेशलाइज्ड एंटी टेरर ऑप्स. ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एंटी टेरर ऑप्स के लिए है. सो यहां पर करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए, इट इज ओनली ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अरे सुशील कुमार जी अभी छोड़ो, सारे एग्जाम की एलिजिबिलिटी भी आएंगी. ठीक, ठीक है, और केशव जी देखो, अभिषेक बड़े भैया आपको कितने बढ़िया सुझाव दे रहे हैं. ठीक है, अभिषेक भैया के सुझाव भी फॉलो करो. चलिए मूविंग अहेड, गरुड़ 5 कंक्लूडेड रिसेंटली इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री. अरे विश्वेंद्र जी देखिए, हिंदी मीडियम ना, आपको बस ये लगता है कि हम तो हिंदी मीडियम के, हमें इंग्लिश नहीं आती. ये जिस लेवल की इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है ना, वो मुझे लगता है कि हर बच्चा उसे पढ़ सकता है. ठीक है विश्वेंद्र जी, तो और आप यहां पर अगर 10-20 बार कमेंट भी करेंगे, ठीक है, इतनी देर में तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो ना अगर पढ़ने की, तो ये सेंटेंस समझ आ जाएगा आपको. ठीक, बताइए, गरुड़ 5 कंक्लूडेड रिसेंटली इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री. द आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रांस. ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में. ठीक, चलिए अगला सवाल, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ आर्ट एकॉस्टिक सेंसर बेस्ड टारगेट ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय CSIR फॉर शूटर्स ऑफ इंडियन आर्मी. बताइए इनमें से कौन सा एक, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसर बेस्ड टारगेट ट्रेनिंग सेंटर. बताइए, अरे दीपक कर देंगे, कर देंगे लाइक, थोड़ा सा रुक जाओ, तुम भी रुक जाओ दीपक थोड़े देर के लिए. बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो यहां पर हम लोग देखते हैं द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि. अब ध्वनि जो है, ध्वनि की जो फुल फॉर्म रखी गई है, That is basically detection and hit visualization okay detection and hit visualization using acoustic एन वेव आइडेंटिफिकेशन. क्लियर, तो यहां पर ध्वनि जो है वो सेटअप की गई है, दैट हैज बीन सेटअप बाय CSIR इन बेंगलोर. ठीक है, ये बंगलुरु में सेटअप की गई है एंड इट इज इन ऑर्डर टू एंश्योर, ठीक है, अ परफेक्ट मार्क्समैनशिप. ठीक है, मार्क्समैनशिप जो है
उसे यहाँ जो निशानेबाजी है उसे बहुत स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये ध्वनि जो स्टेट ऑफ आर्ट शूटिंग रेंज एक प्रकार से इंडियन आर्मी के जो शूटर्स हैं उनके लिए बनाई गई है। और यहाँ पर खास बात ये रखी गई है कि बुलेट इंपैक्ट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, रियल टाइम इंपैक्ट को भी असेस किया जाता है। क्लियर? ओके, चलिए मूविंग अहेड। हाँ, यस यशास, टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एंटायर एडमिट कार्ड। ओके, दी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज, बता दो भाई जल्दी से। 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। सीआईएसएफ इज अंडर विच मिनिस्ट्री? सीआईएसएफ इज अंडर विच मिनिस्ट्री? बताइए। यहां पर एक तो कुछ सेशन में ना, मतलब कुछ बच्चों का मुझे इतना सहारा रहता है, जैसे आपस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई डाउट पूछता है ना, बहुत ही जेनरिक सिंपल सा लेमन, तो आपस में ही कुछ लोग जवाब दे देते, तो ये मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट उसके चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि एक अपने आप में पैरेलल डिस्कशन शुरू हो जाता है, ठीक। तो वो मत कीजिए, अगर किसी का डाउट है, आपको लगता है कि यहां पर क्वेश्चन आपको आंसर आता है, बता दीजिए, अच्छा, बट एक बार बता के छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लीज डू नॉट स्पैम। ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड इज विच अमंग्स दीज? इंडियन कोस्ट गार्ड इज विच अमंग्स दीज? बताइए। कोस्ट गार्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था अभी पहले ही। कोस्ट गार्ड आखिर क्या है? व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर? तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, दैट इज बेसिकली द फोर्थ आर्म ऑफ द डिफेंस इन इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड इट इज द फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस इन इंडिया। क्लियर? चलो अगला सवाल, हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमिटी? चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमिटी, बताइए। अरे दीपक जी, आप ना पहले केशव भैया को टेलीग्राम चैनल के लिंक बता दीजिए बस, और बताइए केशव जी, और कोई सेवा मेरे लायक? बताइए, हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी? चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमिटी के चेयरमैन कौन है? ओके, सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो सीनियर मोस्ट चीफ ऑफ स्टाफ पहले होते थे, बट अब इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ओके, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, ठीक है। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी जो है, दैट इज अंडर द सीडीएस। क्लियर? ओके, अरे रंजन साहब ये बताओ, ये आने का टाइम थोड़ी है आपका। आप अगर घर के फंक्शन में रिश्तेदारी लेट आएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, ठीक है रंजन साहब, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, बताइए। एनआईए के द्वारा काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज जो होस्ट की गई थी, ओके, नेम द कंट्रीज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस। अरे विश्वेंद्र जी, सीडीएस की रेगुलर क्लासेस अगले हफ्ते से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। केशव, टेलीग्राम चैनल का नाम है डिफेंस एग्जाम प्रेप और शरद डिफेंस सर्किट, दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो, वहां पीडीएफ मिलती रहेगी। बताइए, ओके, सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रिक्स कंट्रीज थी, उन्होंने पहली बार 2019 में
ये काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। यहां पर इनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, क्लियर। अच्छा नहीं, वैसे यहां इसका जो आंसर है दैट इज डी, ओके सॉरी, डी क्वाड कंट्रीज जो है, ठीक है, क्वाड कंट्रीज इज बेसिकली दी आंसर। और यहां पर जो पहली ये एक्साइज थी, ये कंडक्ट कराई गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया में, जो एनआईए है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, न्यू दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट कराई गई थी, और 2019 में पहली बार हुई थी, जहां इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वाड कंट्रीज, ठीक है, क्वाड कंट्रीज यहां पर करेक्ट आंसर है। क्लियर। ये असल में कई बार ऑप्शंस में ना, मतलब प्रैक्टिस एकदम टिक करने की प्रैक्टिस होती है, चार ऑप्शन की पांच ऑप्शन आ जाते हैं, हमें ही गुमराह कर देते हैं, ठीक है। चलो, इन एस्ट्रोनॉमी हेलियोपॉज मीन्स वॉट, बताइए। इन एस्ट्रोनॉमी हीलियोपॉज मीन्स वॉट, अरे विश्वेंद्र जी, कोर्स अगर ले लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, वैसे आपको भी कोर्स से काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। कोर्स में आपको रेगुलर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, द आउटर मोस्ट एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, आउटर मोस्ट एज ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज हीलियोपॉज। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि हीलियोस्फेयर जो एक बोला जाता है, दैट इज द सरफेस ऑफ बबल अराउंड द सोलर सिस्टम, एंड हीलियोपॉज इज इफेक्टिवली द आउटर एज ऑफ हीलियोस्फेयर, ठीक है। हीलियोस्फेयर की जो एक आउटर एज है, दैट इज हीलियोपॉज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस कोऑपरेशन एंडेवर्स बिटवीन इंडिया एंड हूम, बताइए बताइए। अरे मोहित झा साहब, सीडीएस की मैथ्स की क्लासेस रोज चलती हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे, अगले हफ्ते से नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें भी क्लासेस होंगी, ठीक। युद्ध अभ्यास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस कॉपरेशन एंडेवर्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, सो द आंसर इफेक्टिवली इज ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास जो है, दैट इज द लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंडिया, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी, एक बटालियन लेवल कॉम्पिटिशन जो है उनके बीच में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड इट्स सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज नेम्ड सिंधु सुदर्शन सेवन इन एट विच प्लेस, बताइए। इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड इट्स सेकेंड फेज ऑफ द एक्सरसाइज नेम्ड सिंधु सुदर्शन सेवन, बताइए ये कहां पर कंडक्ट कराई गई थी। अरे मार्कस जूनियर जी, बस बहुत बढ़िया, आपको तपेश सर से पढ़ना अच्छा लगता है, तपेश सर ही आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाते भी शायद वही हैं। So, यहां पर हम लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर राजस्थान। तो जैसलमेर बाड़मेर के रेगिस्तान में ये एक्सरसाइज 2019 में कंडक्ट कराई गई थी, क्लियर। एंड दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इज इन बेसिकली टू इंप्रूव द बैटल रेडीनेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ओके। डिफेंस फोर्सेस की बैटल रेडीनेस को इंप्रूव करने के लिए, एक जो सेमी डेवलप्ड टेरेन है, डेजर्ट टेरेन है, उसे इंप्रूव करने के लिए लगाई गई थी, कराई गई थी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज वॉज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, बताइए। बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज वॉज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ईस्टर्न ब्रिज, बताइए। सो द आंसर हियर इन इज ऑप्शन नंबर बी, ओमान, क्लियर। सो इंडियन एयरफोर्स और ओमान, जो रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान है, उसके बीच में कंडक्ट कराया गया था।
ये जो एक्सरसाइज थी इसका फिफ्थ एडिशन ओमान में कंडक्ट कराया गया था, जहां पर इंडिया की तरफ से MiG-29 और C-17 के जो स्क्वाड्रन्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. क्लियर. सो दिस वाज, अब ये आप देख सकते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में ये ईस्टर्न ब्रिज फिफ्थ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि MiG-29 ने पहली बार किसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था आउटसाइड इंडिया. ओके, सो दस इफेक्टिवली इट वॉज इंपॉर्टेंट. क्लियर. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड. बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड के ड्यूटीज और फंक्शन इनमें से कौन से हैं? विच ऑफ दीज? हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, सीडीएस में भी आ सकते हैं. बताइए ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड. फर्स्ट, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट, दैट इज अ ड्यूटी. सेकंड, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स, बिल्कुल ये भी ड्यूटी है. थर्ड, असिस्टेंस इन द एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस इज अगेन अ ड्यूटी. सो दस द आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवी जो है वो तो मैरिटाइम बाउंड्रीज, देश की सॉवरेनिटी जो है उसकी सुरक्षा के लिए है, और इंडियन कोस्ट गार्ड इज इफेक्टिवली फॉर दी मैरिटाइम बेस्ड ट्रेड रूट्स. ओके, जहां पर जो स्मगलिंग प्रोन एरियाज हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना वो भी जिम्मेदारी है कोस्ट गार्ड की. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Maritime Access Corpet 19. Corpet is basically Coordinated Patrol. ठीक है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की गई थी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में? बताइए Maritime Access Corpet Coordinated Patrol. अरे मनदीप, कोस्ट गार्ड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में के अंडर आती है कोस्ट गार्ड. बताइए विच ऑफ दीज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. द आंसर हियर इन इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश. ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा कंडक्ट की गई थी. ठीक, एंड दिस इफेक्टिवली वाज टू पेट्रोल अक्रॉस द मैरिटाइम बाउंड्री ऑफ दीज टू कंट्रीज. क्लियर, तो द आंसर हियर इन इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर, इंडिया बांग्लादेश. ओके, मानसी सर, व्हाई गर्ल्स कैन नॉट ज्वाइन कोस्ट गार्ड? क्यों नहीं कर सकती मानसी? बिल्कुल कर सकती हो ज्वाइन, फ्लाइंग ब्रांच में भी गर्ल्स अलाउड थी. ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया है इस साल का, बट इसका मतलब ये नहीं है गर्ल्स ज्वाइन नहीं कर सकती, दे कैन. क्लियर. नेक्स्ट, हु विल कमीशन द न्यूली बिल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस खंडेरी. आईएनएस खंडेरी किनके द्वारा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, किनके द्वारा कमीशन की गई थी? बताइए इट वॉज कमीशंड बाय हूम. ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें INS खंडेरी की, इट वॉज कमीशंड बाय ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह जी, हु वॉज आर डिफेंस मिनिस्टर. जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनके द्वारा इसे कमीशन किया गया था. ठीक, चलिए अगला सवाल आप लोग देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a central paramilitary force under the Ministry of Home Affairs? बताइए इनमें से कौन सी एक central paramilitary force नहीं है? Which one of the following is not a central paramilitary force? बताइए. इनमें से कौन सी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है?
So the correct answer here is option number C, Ladakh Scouts. Okay, Ladakh Scouts jo hai, that is basically a regiment under Indian Army. Clear? Indian Army ke under hai Ladakh Scouts. Aur baki agar hum baki sabhi options ki baat karein, okay, we will find that the remaining are all the paramilitary forces under the Ministry of Home Affairs. Clear? Chaliye. Next statement. Which of the following statement are correct? MO-17 is United States Telecom Telecommunications Satellite. Second, MO-17 aims to provide enhanced voice, video and data services. Third, MO-17 has been launched by SpaceX Falcon 9 rocket. And fourth, SpaceX is a branch of NASA. Bataiye. Which one of these? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो पहली चीज आप ये देखते हैं कि ये जो अमोस 17 है दैट इज एन इजरायली टेलीकॉम सैटेलाइट. ठीक है, ये एक इजराइल की टेलीकॉम सैटेलाइट है, इजराइल की टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई आपकी. अमोस 17 एम्स टू प्रोवाइड एनहेंस्ड वॉइस वीडियो एंड डेटा सर्विसेज टू कस्टमर्स इन इंडिया. ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है. ये आप देख सकते हैं कि ये जो एमओस है इसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया, चाइना, इन सभी इलाकों में टेलीकॉम सेटअप जो है वो प्रोवाइड कराया गया है. ओके, नेक्स्ट. So second is correct. Third, MO-17 has been launched by SpaceX Falcon 9 rocket. Okay, that is also correct. Fourth, SpaceX is a branch of NASA. That is incorrect. और ये एक private US aerospace company है, California based एक private aerospace company है. ठीक है, so the answer herein is option number C, 2 and 3 only. Clear? Next question. India has signed a $50 million agreement to provide naval MRSM, medium range surface to air missile systems, with which of these countries? इनमें से किस देश के साथ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बताइए. इंडिया has signed the contract with which of these countries? With which of these, बताइए. ये कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो सभी चीजें हैं ये एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती हैं. ठीक है, तो इन्हें आप लोग प्लीज रिवाइज जरूर करते रहिएगा और जितनी चीज न्यूज में है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है. ठीक, चलिए. अब यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो करेक्ट आंसर है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इजराइल. ठीक है, इंडिया और इजराइल जो है उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है. मोर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट वाज इंक्ड इन 2019 इटसेल्फ, 2019 में ही साइन कर दिया गया था. ठीक है, और इंडियन नेवी को यहां पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो प्रमोट वो प्रोवाइड कराई जाएंगी. क्लियर, मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. डीबी शिकेतकर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड मेजर्स to enhance combat capability and rebalance defense expenditure of armed forces. Which of the following is not a recommendation of the Shiketkar committee? Bataiye. ये 2019 में एक लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिकेतकर कमेटी बनाई गई थी to enhance the combat readiness of the forces. ये एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था. वैसे यहां पर अगर हम देखते हैं कि विच वॉज नॉट अ रिकमेंडेशन, यहां पर सारी चीजें इंडियन ये शिकेतकर कमिटी, लेफ्टिनेंट जनरल शिकेतकर कमिटी की रिकमेंडेशंस में थी. एक क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट इन पीस लोकेशंस, ये बिल्कुल एक रिकमेंडेशन आई थी.
enhancement in standards for recruitment of clerical staff and drivers in the army, and better utilization of animal transport units. Clear? So this was basically a recommendation. और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक जो expenditure था armed forces का, combat capabilities, उन्हें सभी को streamline करने के लिए, reorganize करने के लिए committee बनाई गई थी. Clear? Next, government of India has launched Operation Sudarshan to fortify India's international border with which country? Operation Sudarshan जो है, वो किस country के साथ borders को फोर्टिफाई करने के लिए चलाया गया है? ऑपरेशन सुदर्शन. अरे पूजा जी, कई बार जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फोर्सेस. ठीक है, फोर्सेस के लिए वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग दी एनिमल्स इज फाउंड सूटेबल. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान. ऑपरेशन सुदर्शन जो है दैट हैज बीन कैरिड आउट टू फोर्टिफाई इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान. क्लियर. नेक्स्ट, रिसेंटली कमीशनड LCU L56 इज वॉट? LCU L56 क्या है? LCU L56 बताइए. ओके, तो यहां पर हम लोग अगर देखते हैं एलसीयू, काफी लोगों को एलसीयू की यहां पर जो है फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी वैसे. ठीक है, एलसीयू इज बेसिकली द लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी. क्लियर. सो दीज एलसीयूज ये एम्फीबियस शिप्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, और इनका जो मेन रोल है, द प्राइमरी रोल इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड यूनिट्स, ट्रूप्स, इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है. इंडिया में जो 8 एलसीयूज जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं. एलसीयू मार्क 4 जो है वो डेवलप किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंटेंट वॉज इंडिजिनस. ठीक है, तो यहां पर मेक इन इंडिया कैंपेन, आत्मनिर्भर कैंपेन जो है उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. सो दीज आर बेसिकली द LCU L56 इज अ वॉरशिप. ओके, इट इज अ वॉरशिप. क्लियर. ठीक, चलिए अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल? इनमें से कौन सा नाग मिसाइल का वेरिएंट है? हेलीना, ब्रह्मोस, शौर्य अस्त्र. बताइए. अरे स्वीटी जी, आप OTA के लिए कोई भी कोर्स ले लीजिए, दैट एवरी कोर्स विल बी सूटेबल. बताइए वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल. काफी सिंपल है ना, नेम जो है नेम में ही यहां पर छुपा हुआ है. द आंसर हियर इन इज ऑप्शन नंबर ए, हेलीना. ओके, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल. हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल. क्लियर. अच्छा, तो यहां पर काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेशन में लेट आए हैं, तो भाई लास्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अब हम. क्लियर, वी आर डिस्कसिंग द लास्ट 10 क्वेश्चंस. क्लियर. सो ऑल ऑफ यू, इफ यू हैवंट स्टिल लाइक्ड इट, लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट स्टिल शेयर्ड इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. क्लियर. चलो अगला सवाल. किंजल मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च बाय विच कंट्री? The Kinzhal missile is successfully launched by which country? बताइए Kinzhal missile. देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं किंजल मिसाइल जो है दैट इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय ऑप्शन नंबर बी, रशिया. ठीक है, अब यहां पर अगर बात करी जाए तो ये जो किंजल मिसाइल है ये काफी न्यूज में इसलिए ज्यादा रहा क्योंकि
ये मिसाइल सिस्टम इट हैज द स्पीड ऑफ 10 मैक, 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहां पर 10 मैक की जो स्पीड थी वो इसके द्वारा अचीव की गई। और यहां पर रशिया के बारे में बोला जाता है कि रशिया इज बेसिकली इट इज एन हाइपरसोनिक मिसाइल दैट विल बी इफेक्टिवली यूज फ्रॉम अ MiG-31 एयरक्राफ्ट। MiG-31 एयरक्राफ्ट जो है उसमें लॉन्च की जाएगी एंड द रेंज इज 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। द रेंज इज 2000 किलोमीटर्स, ओके। नेक्स्ट, परम शिवाय रिसेंटली इन न्यूज इज वॉट, बताइए परम शिवाय विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज वॉट। बताइए परम शिवाय, हाँ भवानी जी, ये डिफेंस अवेयरनेस का पार्ट है, बस ये डिफेंस अवेयरनेस। तो यहां पर काफी लोग सोच रहे हैं सर आज मैराथन जल्दी खत्म हो गई, अरे आप खुद देखिए 25 क्वेश्चन के लिए एक पहले जनरल अवेयरनेस की मैराथन में ला चुका हूं, स्टैटिक जीके की आकाश सर ला चुके हैं, करंट अफेयर की आकाश सर ला चुके हैं, एक साइंस की मैराथन आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद एक मैराथन में आज डिफेंस अवेयरनेस के लिए आया, तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए अभी तक वी हैव डिस्कस मोर देन 600 क्वेश्चन, 600 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सफिशियंट है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है दीज आर ऑल सफिशियंट, क्लियर, ओके। सो परम शिवाय विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज ऑप्शन नंबर बी, अ सुपर कंप्यूटर, वो एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो यहां पर आप ये देख सकते हैं दैट इफेक्टिवली इट हैज बीन बिल्ड बाय आईआईटी बीएचयू, जो है बीएचयू के द्वारा सेटअप किया गया है, एंड इट वाज फाउंड दैट दी इनकरिंग कॉस्ट वाज क्लोज टू 30 करोड़, ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चूज द करेक्ट पेयर्स, ओके, अग्नि 5 या मिसाइल्स और रेंज दी गई है, ठीक है। अरे मोहित झा जी, मैथ्स की क्लास का टाइम ना कल सुबह 10 बजे है, वैसे 10 बजे रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक मैथ्स है, ठीक है। अरे मार्कस जी देखो, यहां पर काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप लोग ना के यहां पर के सर क्वेश्चन भूल जाते हैं। भाई आप भूलते इसलिए हो क्योंकि आप ना ये सेशन बिल्कुल वैसे देखते हो जैसे कॉफी विद करण चल रहा हो, ठीक है। तो ये कॉफी विद करण नहीं होता, ये ना कॉपी पेन लेके बैठने वाला सेशन होता है, क्लियर। सो आपके पास ना नोटबुक जरूर होनी चाहिए इस सेशन को देखने के लिए। आपको अगर लगता है कि सर ऐसी याद हो जाएगा, याद कभी नहीं होंगे ये क्वेश्चन, कुछ लोग सोचते हैं नहीं सर आप पढ़ा दो बाद में पीडीएफ देख लेंगे, भाई साहब जब तक खुद नहीं लिखोगे ना क्वेश्चन एक रत्ती भर का याद नहीं होगा कुछ, ठीक है, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा कल एग्जाम से पहले। तो इसलिए ना प्लीज डू राइट थिंग्स, जब तक खुद नहीं लिखोगे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्टली मैच्ड पेयर इज सागरिका, ठीक। आप लोग देख सकते हैं कि अग्नि जो है अग्नि 5, ओके, इट इज बेसिकली एन आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर्स की, जो अंडमान एंड निकोबार में यहां पर एस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक। अगली आती है यहां पर सागरिका की अगर बात की जाए, ये SLBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक, ओके, एंड इट इज 750 किलोमीटर्स, ओके। धनुष की अगर बात की जाए, धनुष इज SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सागरिका जो है दैट इज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक, और धनुष जो है दैट इज SRBM, ओके, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। और यहां पर SRBM जो है उसकी रेंज होती है 350 किलोमीटर्स, ठीक। नेक्स्ट आती है निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ये जो निर्भय है दैट इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये,
ठीक। और ये जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर्स, ठीक, तो ये याद रखिएगा। ओके, अरे नहीं अंजू जी, ये 750 किलोमीटर्स ही है, ठीक है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ठीक है, K-15 सागरिका जो आप कहते हैं, ठीक है, तो ये जो सागरिका मिसाइल है, ठीक, इसकी आप अगर बात करें, ठीक है, दिस सागरिका मिसाइल बेसिकली ये नेवल वेरिएंट है, ठीक है, और इसकी K-15 की रेंज जो है दैट इज 750 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है, 750 रही है, क्लियर। और आप देख सकते हैं कि ये जो सागरिका है, सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है उस फेज के दौरान इट इज इफेक्टिवली, ठीक है, यहां पर इसे कोड नेम K-15, B-05 अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं, ठीक। हाँ जी, ICBMs इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अरे अंजू रे जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ईमानदारी से, ठीक है, ये 750 किलोमीटर्स ही है। ओके, 750 किलोमीटर्स इज दी रेंज, ठीक है। तो आपके पास अगर किसी ऑथेंटिक सोर्स में 700 किलोमीटर्स लिखा होगा, मैं बिल्कुल आपकी बात मान जाऊंगा, ठीक है। बट अभी तक बाकी जहां तक हम ऑथेंटिक सोर्सेज की अगर बात करते हैं, तो इसमें इंडिया में जो सागरिका लॉन्च किया गया है वो 750 किलोमीटर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड। मरीन एकोस्टिक रिसर्च शिप INS सागर धवन, ठीक है, स्टार्टेड इट्स 2 month लॉन्ग सेकेंड मिशन सागर मैत्री फ्रॉम विच सिटी? बताइए विच ऑफ दीज। दी मरीन एकोस्टिक रिसर्च शिप सागर धवन स्टार्टेड इट्स 2 month लॉन्ग सेकेंड मिशन सागर मैत्री फ्रॉम विच सिटी? बताइए विच ऑफ दीज। हाँ जी बिल्कुल राहुल जी, वही मैं कह रहा हूं कि सागरिका जो है इसके अलग अलग वेरिएंट है। K-15 इज अ वेरिएंट, B-05 इज अ वेरिएंट, ओके, इट हैज गॉट टू डिफरेंट वेरिएंट्स। बताइए, तो मरीन एकोस्टिक रिसर्च शिप जो है सागर धवन, इसके 2 month लॉन्ग सेकेंड मिशन सागर मैत्री वॉज स्टार्टेड फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी कोची। कोची से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है, और ये उस समय पर सदर्न नेवल कमांड के जो कमांडर थे वाइस एडमिरल चावला, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक। चलिए मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, यहां पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दी एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज हैंड इन हैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? बताइए किस स्टेट में लॉन्च की जाएगी हैंड इन हैंड चाइना? प्रीवियसली कहां पर लॉन्च की गई है वो भी बता दीजिए, सेम वही है। विच ऑफ दीज बताइए। ओके, सो आंसर हियर इन इज ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हैंड इन हैंड एक्साइज है, ठीक है, ये उमरोई में शिलोंग के पास मेघालय जो है वहां पर लॉन्च की गई थी, ठीक है। और यहां पर आप ये देख सकते हैं दैट हैंड इन हैंड इज प्रोमिनेंटली द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एज वेल एज चाइना, दे डू पार्टिसिपेट, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द S-400 मिसाइल सिस्टम? ये S-400 के न्यूज में एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द S-400 मिसाइल सिस्टम? बताइए। अच्छा, और भाई जितने लोगों के आपके एग्जाम अगर 28th को सेकेंड शिफ्ट में हो, 29th को आपका एग्जाम हो, 30 को आपका एग्जाम हो, भाई एग्जाम एनालिसिस जरूर देखना, आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम एनालिसिस में आपको एटलीस्ट जो जीके के सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनका आइडिया लग जाएगा, बाकी रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश यहां पर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये नहीं पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है, तो यहां पर स्टूडेंट्स बता देते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बता देते हैं, तो बट जीके में डेफिनेटली आपको काफी फायदा मिल जाएगा। अगर जीके के एनालिसिस देख के मैं आपको ये बता रहा हूं कि आराम से 10 to 12 क्वेश्चंस जो है उसमें आपको फायदा जरूर मिल जाएगा, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस में फायदा मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए अगला सवाल, राकेश कह रहे हैं सर एनालिसिस मत करवाओ, क्यों भैया?
तुम्हारा एग्जाम फर्स्ट डे ही है क्या? 28th की फर्स्ट शिफ्ट में है क्या? जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो ही कह रहे हैं एग्जाम एनालिसिस मत करवाओ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, फर्स्ट, इट इज एन एंटी सबमरीन। ओके, ये स्टेटमेंट गलत है। तो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, दैट इज एन एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, एंटी सबमरीन नहीं है, वो एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक, अगली चीज, अगली स्टेटमेंट, इट इज प्रोक्योरिंग दीज मिसाइल फ्रॉम इसराइल, इंडिया इज डूइंग सो फ्रॉम रशिया। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर ऑफ द टू। क्लियर? चलो अगला सवाल। इंडिया हैज कैरिड आउट ऑपरेशन सनराइज 2 विद विच कंट्री? बताइए, इंडिया हैज कैरिड आउट ऑपरेशन सनराइज 2 विद विच कंट्री? अरे रिचा जी, एनालिसिस इसी चैनल पर होगा, ठीक है, 28th, 29th, 30th को, ठीक है, इसी चैनल पर होगा, 12 बजे आ जाना, मैं ही मिलूंगा आपको करता हुआ। ठीक है, बताइए, इंडिया हैज कैरिड आउट ऑपरेशन सनराइज 2 विद विच कंट्री? द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ठीक है, सो ऑपरेशन सनराइज 2 की अगर बात की जाए तो यहां पर इंडिया और म्यांमार आर्मी जो है उन्होंने 3 हफ्ते के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया था टेरर कैंप्स को बस्ट करने के लिए। क्लियर? सो दिस ऑपरेशन, इट वाज टारगेटेड टू लॉन्च टू डिस्ट्रॉय द टेरर कैंप्स अक्रॉस द मणिपुर नागालैंड आसाम बॉर्डर। ठीक है, उस एरिया में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प इन विच कंट्री? प्रभाष जी, लिंक दिया गया है आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बताइए, बताइए, विच ऑफ दीज, द इंडियन नेवी लॉन्च्ड द ऑपरेशन संकल्प इन विच कंट्री? ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, ओमान। ठीक है, ये ऑपरेशन संकल्प जो लॉन्च किया था इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान में लॉन्च किया गया था। यहां पर जो काफी आप ये देख सकते हैं, इट वाज डन टू रीचेक द इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स, ओके, विच वर ऑपरेटिंग थ्रू द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो यहां पर जो मैरिटाइम इंसिडेंट्स थे उन्हें एक बार रीचेक करने के लिए, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी ने। वहां पर आईएनएस चेन्नई, आईएनएस सुनैना जो थे, दोनों डिप्लॉय किए गए थे हर प्रकार के मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। क्लियर? ओके, तो जब आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, और एक नॉर्वे के ऑयल टैंकर के ऊपर, जापान के ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक कर दिया गया था, देन इट वॉज लॉन्च। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग कीपिंग इन माइंड दी ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल को ध्यान में रखते हुए बताइएगा। कीपिंग इन माइंड दी ब्रह्मोस, लास्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं भाई। साहिल, 28th की सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी 4:45 पर, फर्स्ट शिफ्ट विल बी एट 12 PM। अरे सुधीर जी, जिनका 28th को फर्स्ट मीटिंग में, उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट और बाकियों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाकी शिफ्ट में लाता रहूंगा। ठीक, चलिए, सो यहां पर हम लोग देखते हैं, इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। ठीक, तो अगर इस स्टेटमेंट की बात की जाए, इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, दैट इज करेक्ट। क्लियर? 290 किलोमीटर इज द रेंज। क्लियर? इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये गलत है, इंडिया और रशिया के बीच में है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑफ द लैंड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दी खर्ग प्रहार, अ मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी, हैज कंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए, मैक रॉयल जी कह रहे हैं फर्स्ट मीटिंग वालों को कुछ सरप्राइज। अरे सरप्राइज तो आपको पेपर देगा, पेपर में सरप्राइज तो पेपर का काम है, हमारा काम तो यहां पर कन्वेंशनल चीजें डिस्कस करना है। खर्ग प्रहार, विच इज अ मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी, हैज कंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओके,
अरे नहीं सुधीर जी, कोई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यार. ओके, सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब. जो खर्ग प्रहार, विच वॉज अ मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, ठीक है, पंजाब में लॉन्च की गई. इसमें इंडियन एयरफोर्स जो थी उसने भी पार्टिसिपेट किया था, और सिम्युलेटेड एयरफोर्स और आर्मी जो है उन्होंने सिम्युलेटेड अटैक्स किए थे. ठीक, नेक्स्ट, ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू वॉट. अरे सुधीर जी, नो नॉर्मलाइजेशन. ठीक है वर्षा जी, 7:30 रिपोर्टिंग है, 7:30 रिपोर्टिंग है. अजय जी, एम 220 प्लस, 220 से ऊपर एम करना है जरूर. हां जी, 7:30 रिपोर्टिंग है. सो ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू, ओके, ऑपरेशन मेघदूत जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ए सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत जो है दैट वाज द कोड नेम गिवन टू द ऑपरेशन विच वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस रादर टू कंडक्ट द सियाचिन ग्लेशियर एरिया. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट. रुस्तम बीइंग डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ इज नेम ऑफ व्हाट. रुस्तम क्या है? यहां पर मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. कुछ लोगों के एडमिट कार्ड में टाइम 8 बजे लिखा हुआ है, कुछ जगह 7:30 लिखा हुआ है. प्लीज आप 7:30 एम करके जाइए. क्लियर? पेंडेमिक की वजह से देर विल बी मेनी रिस्ट्रिक्शंस, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज रीच योर सेंटर बाय 7:30 एट मोस्ट. क्लियर? काफी स्टूडेंट्स के सेंटर पे मिसप्रिंट, काफी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में मिसप्रिंट्स भी आई है. स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर एफकेट एग्जाम नहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ओनली ईकेटी, सिर्फ ईकेटी का टाइम लिखा हुआ है. ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सिर्फ ईकेटी देना हो, एफकेट ना देना हो. सो प्लीज एज पर योर शिफ्ट आप उसी प्रकार से रिपोर्ट कीजिएगा. ठीक है, सो रुस्तम इज बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, द अनमैंड एरियल व्हीकल, यूएवी है रुस्तम. क्लियर? सो रुस्तम जो है एक मीडियम ऑल्टीट्यूड यूएवी है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. ठीक है, चलो अगला सवाल. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन शक्ति. बताइए मिशन शक्ति. अरे फैक्ट सोशन जी, एग्जाम होपफुली आप देखते हैं कि 1 घंटे यहां पर आपका चेकिंग वैकिंग के लिए चाहिए होता है. अरे अजय कुमार, वैक्सीन के लिए क्या बता दूं भैया, वैक्सीन वगैरह नहीं लगनी. एग्जाम से पहले कोई ये मत सोचना कि वैक्सीन लगवाने जाना है. भाई वैक्सीन वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम से पहले. ठीक, काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है क्या एग्जाम के लिए. नहीं यार, आपसे कोई वहां पे कोविन के लॉगिन आईडी नहीं पूछेगा. ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, वैक्सीन के बिना चले जाइएगा, बस फीवर ना हो रहा हो आपको. ठीक है, ओके, चलिए. अरे आर्यन, आपका अगर मॉक में 180-200 नंबर आते हैं और एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, उसका बस एक रीजन है कि आप ना ओवर अटेम्प्ट करते होगे. ओवर अटेम्प्ट मत करना, तुक्के मत मार के आना पेपर में, एग्जाम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अरे हाँ मार्कस जूनियर, भाई साहब आप वैक्सीन नहीं लगवाइए, आप सब काम कर सकते हो प्लीज, पर अगर कोई मतलब होपफुली ठीक है, अपना ध्यान रखना, बस फीवर वगैरह ना हो आपको. ठीक है, चलो. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन. इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो. ठीक है. सेकेंड, इंडिया इज द ओनली कंट्री. देखो ये ओनली वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाती है. इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री. क्लियर? ओके, इंडिया इफेक्टिवली इंडिया इज द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना.
ठीक है, यूएस, रशिया और चाइना जो है, इसके बाद इंडिया इज इफेक्टिवली द फोर्थ कंट्री टू हैव दिस कैपेबिलिटी। ठीक है, यहां पर जो एसेट कैपेबिलिटी है, एंटी सैटेलाइट वेपन इस्तेमाल करने वाली इंडिया इज बेसिकली द फोर्थ कंट्री। क्या चलिए चलिए, सो दिस वॉज इफेक्टिवली ऑल फॉर द डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो वी हैव डिस्कस्ड अप्रोक्सीमेटली, वी हैव टच्ड अपॉन ऑल द मेजर टॉपिक्स ऑफ दी डिफेंस अवेयरनेस। डिफेंस अवेयरनेस के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। सो टुमारो एट फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, ओके, सुबह 10 बजे से, ठीक है, यहां पर मैराथन जो है वो आपकी शुरू होगी। वी विल बी कवरिंग ऑल दी फोर सब्जेक्ट्स, ओके, रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश। क्लियर? ओके, अरे अभी ठीक है जी, प्लीज डू रीच योर सेंटर बाय 12:30। मॉर्निंग शिफ्ट वाले 7:30 बजे तक, आफ्टरनून शिफ्ट वाले 12:30 तक पहुंच जाना। ठीक है, अरे मार्कस जूनियर इतनी बार एक ही बार लिख रहे हो सर, एसएसबी वाले एक ही बार भेज देते, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा सेंटेंस यार। ठीक है, क्या करोगे इसमें? अब ऐसा सोचोगे कि पहले ही दिन हम तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे तो फायदा ही क्या है। ठीक है, चिंता मत करो, वो बुलाएंगे आपको अपने पास, कहेंगे आओ आओ। ठीक है, हाँ बताओ अंजलि जी, अब किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हो, जल्दी से। हाँ जी असरा जी, ये 5 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, नहीं इंग्लिश भी हो जाएगी, लास्ट में जीके करेंगे, लास्ट में जीके करेंगे। मुकेश कुमार कह रहे हैं कोई भी मास्क लगा लेना। हाँ भैया, बस मास्क लगा के जाना यार, मास्क, सैनिटाइजर, वाटर बॉटल, ये सामान आप अपना लेके जाना प्लीज। ठीक है, और बताइए कनिका जी, हाउ मेनी टाइम्स जैक एंट्री कम? ट्वाइस। अरे नहीं भैया, एग्जाम के लिए कोई आरटीपीसीआर नहीं मांगा है। राकेश, ईकेटी के लिए आप सिर्फ इस टाइम लास्ट ईयर के जो आपके पेपर्स हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिए अपनी स्ट्रीम के। ठीक, हाउ मच क्वेश्चन इज सेफ टू अटेम्प्ट? देखिए आप लोगों के लिए ना, एक सेफ अटेम्प्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, हमने प्लेलिस्ट में डाल दी गई है वीडियो, तो प्लीज आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। काफी स्टूडेंट्स जो है उन्हें पेपर मैनेज करना आसान नहीं होता, क्वेश्चन कैसे मैनेज करना है ये समझ नहीं आता। ठीक है, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, आई हैव इफेक्टिवली हेल्प्ड यू आउट टू डिसाइड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, हाँ अच्छा भैया, अब की बार एफकेट के एग्जाम में चप्पल पहन के जानी है, एफकेट के एग्जाम में अब की बार चप्पल पहन के जानी है, नोबडी विल बी वेयरिंग शूज, दे हैव स्पेसिफिकली दे हैव मेंशनड दिस। क्लियर? बताइए क्लियर? चलिए, सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव एंजॉयड इट। अरे मोहित झा जी, सीडीएस के सेशंस चल रहे हैं, आप ग्रेड अप ऐप डाउनलोड करो, वहां पर अभी फ्री ट्रायल लो, सीडीएस की क्लासेस अटेंड करो। ठीक है धर्मेंद्र जी, एडमिट कार्ड ले जाना और एक पेज पे प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, मतलब यहां पर वो बैक टू बैक प्रिंट्स मत निकलवाना। ठीक, और यहां पर जो प्रिंट्स हैं आप प्लीज पेज बाय पेज प्रिंट निकलवाना। ठीक है, अरे बेयर फुटेड मत जाना, नंगे पैर मत जाना, कोई घुसने नहीं देगा वहां पे। ठीक है, ठीक है जूनियर साहब, बेयर फुट मत जाना। आपको क्या लग रहा है कि मास्क लगा के ना जाओ तो मास्क मिल जाता है, चप्पल पहन के ना जाओ तो कौन चप्पल देगा भाई? चप्पल, जूते, सैंडल नहीं मिलेंगे वहां पे। प्रवीण जी, कल का शेड्यूल मॉर्निंग 10 बजे। ठीक है, शेड्यूल आपको सुबह ही अपडेट हो जाएगा, अभी मुझे भी नहीं पता है क्या शेड्यूल है। सो विल बी स्टार्टिंग ऑफ द मैराथन एट 10 AM इन द मॉर्निंग। क्लियर? चलिए, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट टूडे, आई विल सी यू ऑल अगेन टुमोरो इन द महा मैराथन। So please do not forget to join us tomorrow as well, and then do not forget to join us in the exam analysis. Clear? So I'll see you all then. Jai Hind.